पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर खुशी जताते हुए दुष्यंत चौटाला की तुलना चौधरी देवीलाल से की है। दुष्यंत चौटाला के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए फरलो पर आए अजय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी के कांग्रेस के साथ जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की है। इधर महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर गतिरोध में फंसी शिवसेना ने दुष्यंत चौटाला के बहाने भाजपा पर तंज कसा है। दोस्तों, आज हम दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद चल रही राजनीति की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जेजेपी के भाजपा को समर्थन देने के फैसले पर भी दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विधानसभा चुनाव के जनादेश का सम्मान करते हुए भाजपा के साथ जाने का निर्णय लेने के लिए जननायक जनता पार्टी की सराहना की है। बादल ने जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला की तुलना चौधरी देवीलाल से की प्रकाश सिंह बादल ने उम्मीद जताई कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का युवा खून और मनोहर लाल खट्टर का अनुभव हरियाणा के लिए बेहतर साबित होगा। प्रकाश सिंह बादल रविवार को दुष्यंत चौटाला के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। बता दें कि बादल और चौटाला परिवार के नजदीकी रिश्ते हैं। दुष्यंत चौटाला को भाजपा के समर्थन के लिए राजी करने में भी प्रकाश सिंह बादल की प्रमुख भूमिका रही थी। दुष्यंत चौटाला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अजय चौटाला को तिहाड़ जेल से 2 सप्ताह की फरलो मिली है। शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि उनके परिवार ने शुरू से ही कांग्रेस विरोध की राजनीति की है। अजय चौटाला ने कहा कि हाथ मिलाना तो दूर, वे कांग्रेसियों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। अजय चौटाला ने भाजपा के साथ अपने परिवार के पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। चौटाला परिवार की कलह के संदर्भ में अजय चौटाला ने कहा कि राजनीति से इतर उनके परिवार में कोई खटास नहीं है। बता दें कि अध्यापकों की भर्ती के एक घोटाले में अजय चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ 2013 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। चौटाला परिवार द्वारा इस मामले को कांग्रेस की भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार के षड्यंत्र का नतीजा बताया जाता रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में सत्ता के बंटवारे को लेकर गतिरोध में फंसी शिवसेना ने दुष्यंत चौटाला के बहाने भाजपा पर तंज कसा है। बहुमत के बावजूद सरकार के गठन में देरी के संबंध में पूछे जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है जिसके पिता जेल में हों। संजय राउत ने कहा कि हम धर्म और सत्य की राजनीति करने वाले लोग हैं। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर अजय चौटाला को दुष्यंत चौटाला पर गठबंधन के लिए दबाव बनाने के लिए मोरे के रूप में प्रयोग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। गठबंधन की घोषणा के साथ ही अजय चौटाला के तिहाड़ जेल से फरलो पर बाहर आने को विपक्षी दलों द्वारा ब्लैकमेलिंग का नमूना बताया जा रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।